बलरामपुर जिले के चांदो एंड गणेश मोड़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 6 सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के द्वारा लग्जरी गाड़ियों के माध्यम से विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत मोबाइल टावर से बैटरी चोरी कर दूसरे राज्य में बेचा जाता था। इस मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर किया है। दरअसल बलरामपुर पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बलरामपुर जिले के विभिन्न थाना अंतर्गत अंतर्राज्यीय बैटरी चोर के द्वारा लग्जरी गाड़ियों के माध्यम से मोबाइल टावर तक पहुंचते थे और वहां से बैटरी चोरी कर रफू चक्कर हो जाते थे और बैटरी को अन्य राज्य में बेचा करते थे, जिस पर जिले के पुलिस ने कार्रवाई की है। इनके खिलाफ बलरामपुर जिले के चांदो एवं गणेश मोड़ पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए 6 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से 47 नगद चोरी की गई बैटरी, एक इनोवा, एक स्कॉर्पियो वाहन को जब्त किया। वहीं पुलिस के समक्ष आरोपियों ने अपना जुर्म करना कबूल किया है, जहां आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ के जशपुर, तपकारा, कुनकुरी, बगीचा थाने में पूर्व से मामला पंजीबद्ध है। इनके खिलाफ वहीं की पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं इस मामले में फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मनुजगंज को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। एक अंतर्राज्यीय मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करने वाले गैंग को हम लोगों ने पकड़ा है। इसमें गणेश मोड़ और चांदो की संयुक्त टीम ने साइबर सेल के साथ मिलकर एक बहुत अच्छी कार्रवाई की है। इसमें हम लोगों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 47 नग बैटरी, साथ में एक इनोवा कार, एक स्कॉर्पियो कार, और जो ये लोग चोरी करने के लिए जो अलग अलग सामान इस्तेमाल करते थे वो सामान मिला के 10 लाख से ऊपर का इसमें हम लोगों ने सामान जब्ती किया। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे थाना क्षेत्रों में जो 47 नग बैटरी चोरी हुई थी वो पूरी की पूरी रिकवर हो गई है। इनसे पूछताछ के दौरान हमें और भी चीज़ों के बारे में पता लगा है, जैसे कि जशपुर के तपकरा, कुनकुरी, कांसाबेल और बगीचा थानों में जो बैटरी चोरी हुई थी उसमें ये लोग शामिल थे, उसमें ये लोग फरार भी चल रहे हैं। इसी के साथ में हमारे ही जिले के कुसमी क्षेत्र में 2 नग बैटरी चोरी के मामले में भी ये लोग शामिल थे, उसमें भी इनको विधिवत इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इनमें जो 6 लोग हैं, इसमें गोल्डन, रामकुमार सिंह, विवेक गुप्ता, फैजान अंसारी, मजबुल्ला, सैराज अंसारी, इन लोगों को गिरफ्तार कर आज विधिवत रिमांड पर लिया जा रहा है। इस बकरा बकरी या चोरी के मामले में, इसमें इनफैक्ट जो गोल्डन है, गोल्डन उस मामले में भी जेल गया था और इस मामले में भी ये दोबारा पकड़ा गया है। और इनका मॉडस ऑपरेंडी वही है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां जैसे इनोवा, स्कॉर्पियो जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये लोग निकलते हैं और चोरी करके, ताकि किसी को शक ना हो, फिर ये कबाड़ी को बेचते हैं। इसमें एक अच्छी कार्रवाई ये भी हुई है कि हम लोगों ने टीम झारखंड के गुमला में भी भेजी थी, जहां में पता लगा था कि ये लोग बैटरियों को वहां बेचते हैं, और वहां से भी एक जन की गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में अभी और भी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी और लगातार इसमें विवेचना जारी है। ये आरोपी अलग अलग जगह के हैं।